बसमानरिम वेलकम डियर कोलिग्स टू दिस सेशन इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वर्चुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑल्सो कॉमनली नोन एज विज़ तो विज भी एक तीसरा इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है या इंटरफेस है जो वी यू के टीचर्स को अपने डेली रूटीन टास्क में यूज़ करना होता है तो आइए अब हम इसकी प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन देखते हैं कि विज़ में कौन कौन से फीचर्स हैं उसमें से कौन से फ़ीचर्स इंपॉर्टेंट हैं उसको हमने किस तरह से अपनी डेली टीचिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखना है और कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अभी तक आप देख चुके हैं हम उनको भी प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं अच्छा हम सबसे पहले इसमें लॉग इन करेंगे अपने वीज अकाउंट से जाके अपने क्रिडेंशियल इसमें ऐड करेंगे तो ये आपके सामने एक इंटरफेस आ गया है वीज़ के लॉग इन के बाद इसमें आप लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो फीचर है वो माई ई ऑफिस है इसमें आप देखिए तो जो इम्पॉर्टेंट ऑफिस नोटिफिकेशन हैं वो इसमें आते हैं आपके पास जो इंटर ऑफिस नोट्स हैं जो आपने आई ओ एन अगर किसी को भेजना है इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल आपने कोई मेमो है या आपने कोई रिक्वेस्ट लेनी है जिसकी अप्रूवल चाहिए आपको या आपने कोई ड्राफ्ट आगे भेजना है तो उसके लिए आई ओ एन के सेक्शन को आप यूज़ करते हैं फिर मीटिंग्स ऑफ मिनट्स जनरली ये जो हेड्स होते हैं या इंचार्ज होते हैं उनके पास प्रीवियस एकेडमिक काउंसिल के या दूसरी जो मीटिंग्स होती हैं उसके मिनट्स इसमें आ जाते हैं फिर है ये सपोर्ट टिकटिंग सिस्टम एम के सेक्शन में हमने इसको डिटेल में देखा कि स्टूडेंट्स की क्वेरीज को रिस्पॉन्ड किस तरह से करना है तो अगर आप वो जानना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स की क्वेरीज को किस तरह से एड्रेस करना है तो आप एम डी को किस तरह से रिस्पोंड करना है उसको समझ लीजिए यहाँ पे हम उसके इंटरफेस की डायरेक्शन आपको दिखाते हैं कि ये डिटेल्स के सेक्शन में जो आपकी करंट पेंडिंग टिकटिंग होंगी या जो टिकट्स होंगी वो आपके सामने नज़र आ रही होंगी इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू में आप देखिए तो कुछ हैं जो पेंडिंग हैं जो अभी आपकी तरफ ड्यू हैं जिनको आपने एड्रेस करना है कुछ हैं जो आपने फॉरवर्ड की हैं या आपके पास फॉरवर्ड हो आई हैं मिसाल के तौर पर कोई आई डिपार्टमेंट में किसी स्टूडेंट ने अपनी सपोर्ट टिकट भेजी उन्होंने आई टी वालों ने उसको देखा कि ये रिलेट करती है एजुकेशन डिपार्टमेंट से या किसी खास एकेडमिक डिपार्टमेंट से तो वो आपकी तरफ जब फॉरवर्ड कर देंगे तो वो फॉरवर्डेड में आ जाएंगी फिर है कि ऐसी एम डी बीज हों जिसके ऊपर जो कम्प्लीट नहीं है कम्प्रीहेंसिव नहीं है एम्बिग्वस है तो उसके ऊपर मज़ीद इंफॉमेसन जब रिक्वायर्ड होगी तो फिर ये ड्रॉप डाउन मेन्यू में इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड का भी टैब है जब आप एंड्रेस कर देते हैं अपनी विस्थ सपोर्ट टिकट को तो आपने उसको क्लोज कर देना है क्लोज कर देने से मुराद है कि आपने कंप्रिहेंसिवली स्टूडेंट की उस क्वेरी को एड्रेस कर दिया है और अब उसका रिस्पांस उसको मिल चुका है अब इसके ऊपर मजीद कोई कॉरस्पॉन्डेंस होने की ज़रूरत नहीं तो इसलिए वो एक प्रॉब्लम जो एक टिकट सपोर्ट में जनरेट हुई जब आप उसको कंप्रीहेंसिवली एड्रेस कर लेंगे तो फिर आप उसको क्लोज कर सकते हैं ये डिटेल्स और लिस्ट व्यू में जाके जब आपके पास काफ़ी सारी चूंकि हम अच्छी प्रैक्टिस यही है कि हम डेली बेसिस पे अपने विस्त सपोर्ट्स को देखिए तो इस वक्त मेरे इंटरफेस में कोई ऐसी एग्जांपल नहीं जिसको हम रेडिली देख सकते हैं लेकिन इसको रिस्पॉन्ड करने का वही तरीका है जो आप लोगों को एम के बी रिस्पॉन्ड करने में बता दिया गया है अच्छा फिर है कुछ स्टोर मैनेजमेंट आप यहाँ पर जब काम करते हैं तो आपको कुछ मटीरियल चाहिए आपको प्रिंट्स के लिए पेजेस चाहिए आपको बॉल पेन्स चाहिए पेंसिल रबर शॉर्पनर आपको अपने ऑफिस की दूसरी इक्विपमेंट है सेंडरी इक्विपमेंट्स जो आपको चाहिए तो उसके लिए आपने परचेज रेक्विजिशन मटेरियल जनरेट करनी है यहाँ से रेक्विजिशन उसको जनरेट करने का तरीका भी आपके विज में अवेलेबल है फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फीचर है फोन एक्सटेंशन डायरेक्टरी का आपने किसी दूसरे डिपार्टमेंट में किसी कोलीग से बात करनी है आपने हेड ऑफिस में बात करनी है अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में हैं तो आपने जी एम टी वी से बात करनी है जी एम आई टी से बात करनी है डायरेक्टर आई सी टी से एग्जामिनेशन में आपने जितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं जब आपने उनसे बात करनी है तो आपको उनकी टेलीफोन एक्सचेंज का मालूम होना बहुत ज़रूरी है तो इसको ऑपरेट करने का तरीका आप जानते हैं जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपकी क्वेरी है आप उसको सिलेक्ट करेंगे इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से फिर उनकी डेजिग्नेशन अगर आपको मालूम है तो आप उस डेज़िग्नेशन को सिलेक्ट करेंगे और वो कहाँ किस ऑफिस में बैठ रहे हैं हम इसको सिलेक्ट करेंगे और अगर हम इसमें सर्च में डायरेक्ट जाके उनका नाम भी लिख दें तो हमें उनकी डायरेक्ट एक्सचेंज भी मिल सकती है तो ये देखिए मैंने अपना ही इसमें नाम सर्च किया है तो बाकी तमाम सेक्शंस आप देखिए मैंने सिलेक्ट नहीं किए अगर आपको उन सेक्शंस का मालूम ना हो तो आप डायरेक्टली नाम एंटर करने से भी मुतलका एक्सचेंज तक या ईमेल तक पहुंच सकते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट इसमें जो टैब है वो एडमिनिस्ट्रेशन का है ये आपकी पर्सनल प्रोफाइल है यह आपको ज़रूर कहा जाता है कि जब आप आ, न्यू हायरिंग में आए हैं तो अपनी इस प्रोफाइल को ज़रूर फिल कीजिए अपनी पिक्चर लगाइए जो डिटेल्स आपसे पूछ रहे हैं वो ऐड कीजिए जो फैमिली की इन्फॉर्मेशन है जो नेक्स्ट ऑफ किन की इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर आप ऐड कीजिए क्योंकि आपका एम्प्लॉई कार्ड आपका ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड बनना है तो उसके लिए भी ये इन्फॉमेसन बहुत ज़रूरी है और आपकी वेबसाइट के ऊपर भी यही इंफॉमेशन पोस्ट होती है तो आपने यहाँ से इसको भी ज़रूर एड्रेस करना है ये सेक्शन आ गया हमारे पास फैकल्टी की जो रेज्यूमे है जब ये वेबसाइट के ऊपर जाएगी आप इसके अंदर अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं अपना ब्रीफ़ इंट्रोडक्शन इसके अंदर शेयर कर सकते हैं आपकी जो अचीवमेंट्स हैं जो आपने अगर कोई एम फिल थीसिस या पी करवाई हैं तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं अगर आपके पास किसी प्रोफेशनल बॉडी की मेंबरशिप है तो आप उसको यहाँ पे ज़रूर लिखिए जो आपके पास रिसर्च आर्टिकल्स या बुक पेपर्स आपने जो पब्लिश किए हैं बुक चैप्टर्स पब्लिश किए हैं कोई बुक आपकी अगर रॉयल्टी uh, आपके पास मौजूद है तो उस बुक को आप यहाँ ज़रूर मैंशन कर सकते हैं आपने जो प्रोजेक्ट्स किए हैं उनको आप ऐड कर सकते हैं तो ये डिफरेंट अचीवमेंट्स भी आपने अपने रेज्यूमर में ज़रूर ऐड करना है लीव एंड अटेंडेंस मैनेजर ये चूँकि बहुत ज़रूरी है आप लोग इसको ज़रूर अवेल करते होंगे अब तक आप लोग जानते हैं कि लीव किस तरह से अप्लाई करनी है वो आप लोगों ने अब तक सीख लिया होगा लीव्स में भी हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं ये आप देख सकते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू में फिर अगर अटेंडेंस की कोई आपके पास डिस्क्रिपेंसी आ गई है तो आपने अपने हेड से पूछ के उसको आपने एडजस्ट करना है आपने उसकी जस्टिफिकेशन देनी है कुछ ये इसमें ऐसे फीचर्स आ रहे हैं जो एडमिन व्यू की वजह से मेरे पास आ रहे हैं शायद आप सबके पास ये फीचर्स ना आ रहे हों जैसे अटेंडेंस रिकॉर्ड है स्टाफ का वो शायद सब लोगों के पास नहीं आता लोन एप्लीकेशन व्यू हर साल में दो दफ़ा या एक दफ़ा एप्लीकेशन लोन की इनवाइट करती है ओपन करती हैं उसका यहाँ प्रोसीजर सारा दिया गया है और ये एक मेन फ़ीचर जो मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिए अपने प्रोबेशन के पहले हफ़्ते में पहले महीने के अंदर ये तमाम रूल्स आपने ज़रूर पढ़ लेने हैं इसमें वी का ऑर्डिनेंस दिया गया है वो इंग्लिश में भी है और उर्दू में भी है और जो सर्विस रूल्स हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि ज़्यादा आपका आपका जो इंटरेक्शन है या आपको जो यहाँ पे मदद मिलेगी वो इन सर्विस रूल से रिलेटेड मिलेगी और सर्विस रूल जो हैं वो फ्रॉम टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं तो ये आप हिस्ट्री देख सकते हैं इसमें स्टार्टिंग फ्राम टू थाउजेंड अलेवन सेवनटीन एटीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू और लेटेस्ट जो इसमें अपडेशन है वो सितम्बर फोटीन ट्वेंटी ट्वेंटी टू की है तो इन रूल्स को आपने ज़रूर पढ़ना है इन रूल्स के अंदर ही हमारी तमाम क्वेश्चन को एड्रेस किया गया है कोर्स डेवलपमेंट का भी सेक्शन इसके अंदर है टी का फॉर्म भी इसके अंदर है जो आपने कोई सेमिनार्स या वर्कशॉप्स करवानी है तो उसके एसओपीज भी इसके अंदर डिटेल से दिए गए हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एडिशन एकेडमिक रूल्स की है जो आप लोग जो वी में काम कर रहे हैं या किसी भी इदारे में जो काम करते हैं उनको एकेडमिक रूल्स का मालूम होना बहुत ज़रूरी है जिसमें कुछ सेमेस्टर के रूल्स हैं एग्जामिनेशन के रूल्स हैं एडमिशन के रूल्स हैं तो इन एकेडमिक रेगुलेशंस को आपने ज़रूर पढ़ लेना है ये जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी उतने कम्प्रीहसिव इम्प्लॉई आप यहाँ पर तस्वूर किए जाएंगे आपकी एम डी बीज को रिस्पॉन्ड करने में आप उतनी एफिशेंसी देखेंगे आप देखेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस उससे मज़ीद बेहतर हो गई है तो इन रूल्स को आपने ज़रूर इसमें पढ़ना है ये सारी डिटेल्स एक स्टूडेंट से रिलेटेड उनके लिए एकेडमिक कैलेंडर क्या है उनके लिए सेमेस्टर में सेलेक्ट होने के क्या तरीके हैं एडमिशन के क्या तरीके हैं ओवरसीज स्टूडेंट को क्या करना चाहिए आपने अगर प्रोग्राम में ब्रेकअप करना है या एंट्री और एग्जिट करना है तो उसके रूल्स हैं सेमेस्टर रूल्स हैं उसके बाद अगर कुछ स्टूडेंट्स जो छोड़ना चाहते हैं या ड्रॉप हो जाते हैं उनके रूल्स हैं कोर्स सिलेक्ट कैसे करना है क्रेडिट आवर्स के क्या रूल्स हैं इसी तरह इसके अंदर एम के रूल्स हैं आप आगे जाके इसमें देखेंगे इस पूरे डॉक्यूमेंट को असेसमेंट क्राइटेरिया क्या है वीव्यू का उनको आप देखेंगे सी किस तरह से बनता है तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आप इसके अंदर देखेंगे तो तमाम रेगुलेशन वे के अंदर मौजूद हैं अच्छा फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि आप, आपके स्टूडेंट के आपके पास जो इंटरफेस मौजूद है आप अपने स्टूडेंट का यहाँ पे इस सेक्शन में आप उनका स्टूडेंट आईडी लिखते हैं तो आपके पास स्टूडेंट का सारा व्यू अवेलेबल हो जाता है कि इस स्टूडेंट का कौन सा सेमेस्टर है कुछ आपके पास ऐसी एम डी या ई आएंगी जिसके लिए आपको ये जानना जो कोर्स से रिलेटेड स्पेशली एम या ई होगी उसमें आपको स्टूडेंट की ट्रैक हिस्ट्री मिल जाएगी कि उस स्टूडेंट ने वो कोर्स पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं या वो ड्रॉप हो गए थे या फेल हो गए थे पिछले सेमेस्टर में दोबारा इन किया है अब तक उनका सी क्या है उनका डिग्री प्रोग्राम क्या है उनका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या है ये तमाम डिटेल स्टूडेंट्स की आपके पास विजिबल हो जाती है इस तरह से हमने जब विज को स्टडी किया तो हमें ये पता चला कि इसमें इंपॉर्टेंट जो आ, फीचर हैं वो एक विज टिकटिंग सपोर्ट सिस्टम का है और ये पॉपअप हो जाता है जैसे ही आप अपने होम पे आते हैं तो ये आपके पास अगर कोई एग्जिस्टिंग विज टिकट सपोर्ट आई होगी तो वो ये पॉप अप में जैसे यहाँ पे अटेंडेंस जस्टिफिकेशन या कुछ लोग हमारे स्टाफ की अटेंडेंस हमारे पास आ रही है इसी तरह विस् टिकटिंग सपोर्ट भी आपके पास पॉपअप हो जाती है जो आप मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं चीज़ें वो आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले में आ जाती हैं जैसे मैनेज टिकट्स आप देख सकते हैं कि एक बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज फीचर है स्टूडेंट प्रोफाइल एक कॉमनली यूज फीचर है इसी तरह क्यू ई सी की डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें फैकल्टी कोर्स रिव्यू है कोर्स एंड टीचर रिव्यू है तो उनको भी हमें देखना पड़ता है तो ये वो चीज़ें हैं जिनको आपने अपनी वी यू की टीचिंग लाइफ में जिनसे आपका इंटरेक्शन रहेगा विज से मुतल मैं आपसे फिर यही कहूँगा कि एक अच्छे एम्प्लॉय के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वह उस इदारे के ऑर्डिनेंस को पढ़ें उसके रूल्स को पढ़ें उसके एकेडमिक रूल्स को पढ़ें तो फिर ही वो एक कॉम्पैक्ट और एक इफ़ेक्टिव इम्प्लॉ तस्वुर होंगे थैंक यू वेरी मच